बच्चों भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष, यहाँ से प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और इसके अध्यक्षों का नाम हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। बहुत इजी ट्रिक है, एक बार आप बस पिक्चर देख लेंगे पूरा समितियों का अध्यक्षों का नाम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों पहला समिति है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसको याद करना बहुत आसान है प्यारे बच्चों, देखो प्रारूप, प्रारूप में आ रहा है रूप, और रूप किसका सुंदर है प्यारे बच्चों, अम्बे माता का। देखेंगे जो है दुर्गा माता को अम्बे भी कहा जाता है और दुर्गा माता बहुत सुंदर है, तो रूप किसका सुंदर है, अम्बे माता का, मतलब दुर्गा माता का। तो रूप से क्या याद आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्रारूप समिति, और अम्बे से क्या याद आ जाएगा प्यारे बच्चों, अम्बेडकर। इस तरह प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और इसमें याद रखना प्यारे बच्चों 7 सदस्य, कितने सदस्य ये भी बहुत प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरी समिति का नाम हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसको याद करना बहुत आसान है प्यारे बच्चों, देखो संघ में देखो प्यारे बच्चों बिंदी आ रहा है और देखेंगे पंडित में भी बिंदी आ रहा है, तो जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ में बिंदी आ रहा है, पंडित में भी बिंदी आ रहा है, इस पर टिक लगा देंगे। इस तरीके से आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष में जो है इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर देखेंगे प्यारे बच्चों प्रश्न आता है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्यारे बच्चों देखो संघ में बिंदी आ रहा है और देखेंगे पंडित में भी बिंदी आ रहा है, देखो बिंदी आ रहा है, तो इस तरह देखेंगे इसे लिंक कर देंगे, कोरिलेट कर देंगे, आसानी से याद हो जाएगा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह इसको याद कर सकते हैं। चौथा समिति को हम लोग याद करेंगे प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत पूछा जाता है प्यारे बच्चों। इस समिति को पढ़ने पे इस समिति का नाम बहुत बड़ा आ रहा है, मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन में देखना प्यारे बच्चों किसका नाम बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, तो देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका नाम बड़ा दिखाई दे रहा है, इसी पर टिक लगा देना आपको। और इस समिति में प्यारे बच्चों याद रखना 54 सदस्य, कितने सदस्य प्यारे बच्चों 54 सदस्य, और ये संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति थी, ये बात याद रखना। या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं अधिकारों की रक्षा कौन करेगा प्यारे बच्चों, भाई करेगा, अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, भाई करेगा। तो जैसे मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष पूछेगा आप सरदार वल्लभ भाई पटेल लगा देंगे। फिर देखेंगे प्यारे बच्चों प्रश्न आएगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्यारे बच्चों देशी रियासतों को भारत में शामिल कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो प्रांतों को शामिल कराने में, देशी रियासतों को भारत में शामिल कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इस तरह प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। या ऐसे याद कर सकते हो प्रांतों को शामिल कौन करेगा, सरदार करेगा, जो कमांडर है वह करेगा, इस तरह याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों। फिर इस तरह हम देखेंगे 5 समितियों का अध्यक्षों का नाम याद कर लिए प्यारे बच्चों। इसके बाद देखेंगे प्यारे बच्चों 6वीं समिति, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, बहुत ही है प्यारे बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको कैसे याद करेंगे, देखो प्यारे बच्चों सलाहकार और सरदार इस तरह को रिलेट करके जो है याद कर सकते हैं। या ऐसे याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों सलाहकार समिति के अध्यक्ष, तो देखेंगे प्यारे बच्चों सलाहकार समिति, तो सलाह आपको अच्छा सलाह कौन देगा, भाई देगा प्यारे बच्चों। आपको जो है सलाह कौन दे सकता है, अच्छा भाई दे सकता है। तो आप सलाह लेना चाहेंगे तो किससे लेना चाहेंगे, भाई से लेना चाहेंगे, तो भाई से क्या याद आ जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल याद आ जाएगा। प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, हमेशा पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये प्यारे बच्चों याद रखना झंडा फहराने के बाद, प्रभात फेरी होने के बाद प्रसाद में क्या मिलता है, लड्डू। क्या मिलता है प्यारे बच्चों, लड्डू मिलता है। तो इस तरह देखेंगे जो है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस तरह याद कर सकते हैं। तो झंडा फहराने के बाद प्रसाद में क्या मिलता है, लड्डू। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। 8वीं समिति प्यारे बच्चों संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखेंगे प्यारे बच्चों इसमें 3 सदस्य, कितने सदस्य, 3 सदस्य। देखें प्यारे बच्चों संविधान सभा का संचालन करना हो तो किसको बुलाना पसंद करेंगे, राजधन इंद्र, इंद्र देवता को राजेंद्र भी कहा जाता है, और राजेंद्र इंद्र देवता को देवताओं का राजा कहा गया है। और संविधान सभा का संचालन करना हो, देवताओं में से किसी देवता को बुलाना चाहेंगे तो किसको बुलाना पसंद करेंगे, राजधन इंद्र, मतलब इंद्र देवता को बुलाना पसंद करेंगे। इंद्र देवता का दूसरा नाम क्या है, राजेंद्र भी है। तो इस तरह देखेंगे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे।
इस तरह याद कर सकते हैं। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखें प्यारे बच्चों, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एचसी मुखर्जी। प्यारे बच्चों यहाँ रानी मुखर्जी याद कर लो, आप हीरोइन जो है रानी मुखर्जी, बहुत फेमस हीरोइन, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है। तो एचसी मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? रानी मुखर्जी मान लीजिए कुछ समय के लिए। अब जैसे एग्जाम में आएगा कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है, ऑप्शन पढ़ेंगे एचसी मुखर्जी, तो रानी मुखर्जी वाली बात याद आ जाएगा। आराम से जो एचसी मुखर्जी का पिक लगा सकते हैं, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। या अल्पसंख्यक में देखेंगे ख आ रहा है, अब मुखर्जी में भी देखेंगे प्यारे बच्चों ख आ रहा है, इससे को रिलेट कर देंगे तभी आप इसको याद कर सकते हैं। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आचार्य जेबी कृपलानी है। प्यारे बच्चों यहाँ मौलिक अधिकार उप समिति की बात कर रहा है, तो प्यारे बच्चों इसको कैसे याद करेंगे? यदि आप मौलिक अधिकारों का पालन करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी जो है सुबह सुबह जो है आपको नाश्ते में जेबी मतलब जलेबी मिलेगा दही के साथ। नरेंद्र मोदी जी सबको जो है जलेबी अब खिलाएंगे। तो जो भी मौलिक अधिकार का पालन करेगा उसको सुबह सुबह नाश्ते में क्या मिलेगा? जेबी से क्या याद करेंगे? जलेबी। ठीक है, अब एग्जाम में जैसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जैसे आप आचार्य जेबी आप याद करेंगे पढ़ेंगे, तुरंत आपकी जलेबी वाली बात याद आ जाएगा। आराम से इसको फिर से याद कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो जो मौलिक अधिकार का पालन करेगा उसको सुबह सुबह नाश्ते में जेबी से क्या याद आ जाएगा? जलेबी मिलेगा, नाश्ते में जलेबी मिलेगा। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी थे। प्यारे बच्चों याद रखना। तो देखो प्यारे बच्चों के से कार्य हो जाएगा और के से के एम मुंशी, इस तरह याद कर सकते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। जब कार्य संचालन समिति पूछेगा तो के एम मुंशी लगा। लड़के क्या करते हैं, कार्य संचालन में राजेंद्र प्रसाद लगा देते हैं और संचालन समिति में के एम मुंशी लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। या प्यारे बच्चों के से हो जाए के से कार्य और के से के एम मुंशी, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी थे। इस तरीके से जो है आप 11 महत्वपूर्ण समितियों को ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर लिए होंगे और हमको पूरा उम्मीद है आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। बाय, नमस्कार।